मैं पाउडर भी लेता हूँ, ड्रग्स भी हर चीज करता हूँ जी। एक्सरसाइज तो नहीं करते रोज, गरीब है या अमीर है, आधा किलो दही पीवे तो कुछ नहीं होता। काम मेरा बाप करते है, हम खाता पीते बस। मैंने 7 साल सजाए मौत चक्की में काटा है। जब बाहर आया हूँ तो इस नशे पे लग गया। रोजाना मेरा अंदाजा है 2-3 हज़ार का कर लेते हैं। नहीं, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे माशाल्लाह ड्रग्स लेते हैं उसके बाद, लेकिन ये एक्सरसाइज भी अपनी पूरी रखते हैं, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। अब आपके सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या नाम है भाई का? शेरदिल शाह। दिल शाह माशाल्लाह पठान हूँ जी। पठान है, बुखारी सैयद है। बुखारी सैयद है, उस हाथ से पकड़ ले या छोड़ दे जरा, मुझे नहीं होगी। क्या हो गया, यहाँ पे कब से आई अली पार्क में? मैं अली पार्क में तो नहीं हूँ, मेरा पिंडी के अंदर अपना हमारा घर है, माकवा नाम से मैं मशहूर हूँ। अभी इधर आए हूँ खाला के घर पे। नशा कौन सा करते हैं? मैं पाउडर भी लेता हूँ, ड्रग्स भी हर चीज़ करता हूँ जी। मैं आपको मेंटेन रखा हूँ एक्सरसाइज का जी। कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं रोजाना? एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं रोज, गरीब है या अमीर है, आधा किलो दही पीवे तो कुछ नहीं होता है। दही के साथ बंदा फ्रेश रहता है। तो क्या यानी काम क्या करते हो, अपना नशा वगैरह कहाँ से पूरा कर रहे हो? काम मेरा बाप करते हैं, हम खाता पीते बस। खाते पीते हो जी? सबसे छोटा भाई हम घर पे। वालिद ने मना नहीं किया कभी? वालिद ने बहुत दफा किया, अभी नहीं करते। अभी उसको पता ही नहीं छोड़ सकते, क्यों टीकों से हटाऊं अभी। तो इस आदत में लग क्यों गए अच्छे खासे हो? इस आदत में इस वजह से लगे हैं ना, जब कोई माँ बाप से गलती होती है, यार दोस्त से गलती होती है ना, वो अब लगते हैं। मेरे को सजाए मौत हुआ था खुद, मैंने 7 साल सजाए मौत चक्की में काटा है। जब बाहर आया हूँ तो इस नशे पर लग गया हूँ। तो किस सजाए मौत किस जुर्म में हुई थी? मैंने अपना सका मामे का बेटा मारा था। वो कत्ल कर दिया था जी। किस जुर्म में? उसने मेरा बहन को स्कूल जा रहा था, तंग किया था, फिर हम गए, हमने उससे पूछा, उसने गालियाँ दिया ना, उसमें मेरे बाप ने बोला मार बेटा इसको, उधर मार दिया बेटा। जी, उस टाइम पे मैं कोई नशा नहीं करता था। फिर सुलह करके वापस आए कि सजा पूरी करके वापस आए थे? ये तो जज साहब का मेहरबानी और उस मेरे रब का मेहरबानी है जिसने मेरे पे इतना रहम किया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मेरा जमानत गया, कैंसिल हो गया था। ये तो मेरे रब ने मेरे को क्या पता किस नेकी का सिला दिया, मेरे को बरी कर दिया, खुद ही सजा सुना दी। लेकिन उसके बाद अब नशे की हालत में तो नहीं था लगना चाहिए ना, अब तो घर वालों का सोचो ना। नशे की हालत में इस वजह से लगे हुए ना, न किसी का टेंशन होता है ना फिक्र होता है। जब नशा नहीं करते ना बंदा, जब नशा छोड़ देते फिर से खून गर्म होते, फिर से वही काम होते हैं। जब पाउडर पियो होते हैं तो फिर टन वो होते हैं। कितनी देर नशा करते हो रोज़ाना? कितने का नशा कर लेते हो तकरीबन? रोज़ाना मेरा अंदाजा है 2-3 हज़ार का कर लेते हैं। 2-3 हज़ार का नशा कर लेते जी महीने का, यानी आपका तो लाख का नशा हो गया। खैर और है तो होने दो, मेरा अपना हमारा गाड़ियों के 2 शोरूम है, एक पिंडी में एक इस्लामाबाद में। अकेले भाई हो कि और बहन भाई? नहीं, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। सबसे छोटे हो तो बड़े भाई भी नहीं रोकते, मना नहीं करते? कोई नहीं रोकते घर पे मेरे को, कोई भी नहीं रोकता जी। उन्हें पता कि रुक नहीं रहा? रुक नहीं रहा हूँ, मैंने घर वालों को बोले तुम जितने भी इलाज करवाओगे जब इस जहर पे लग गया हूँ तो अभी छोड़ नहीं सकता। अपनी हालत सुधारना चाहते हो कि नहीं सुधारना चाहते? क्योंकि हम लोग इसीलिए आए हैं कि आप लोग को इस चीज़ से निकालें। नशा छोड़ना चाहते हो कि नहीं नशा छोड़ना चाहते? इंशाल्लाह पाउडर आई छोड़ूंगा, चर शराब नहीं छोड़ सकता। वो नहीं छोड़ सकते? क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है नहीं छोड़ सकते? चर्स हमारा अपना ख़ानदानी नशा है, हमारे गांव में उगता है ना। अच्छा, वो ख़ानदान की तरफ से सब भी पीते हैं जी? सारा ख़ानदान पीते हैं। और शहर जी चित्राल से? नहीं, हम लोग हैं उबाड़ा। उकाड़ा? उकाड़ा से जी। हम लोग का जो दादा परदादा है ना वो उकाड़ा से चले, हम लोग उगी गए तो घर अभी तुर डका काला डका। अच्छा, ये खानदानी नशा ये नहीं छूट सकता? नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता। उनका तो खानदानी नशा नसवार नहीं रखते पठान जो हैं? नहीं जी, पठानों के 3-4 नशे हैं, कोई शराब पीते कोई चर्स पीते कोई नसवार रखते। तो हर एक अपना अपना शौक है जी, हर एक अपना शौक है। ये सिर्फ बात बना दी गई है कि सिर्फ जो पठान है वो नसवार जी। अगर हम लोग आपको कोशिश करें कि ये शराब भी आप छोड़ दो, चर्स भी छोड़ दो, ये पाउडर भी छोड़ दो, तो नहीं छोड़ना चाहोगे? अपनी ज़िंदगी नहीं सुधारना चाहोगे? सुधारना क्यों नहीं चाहते हैं भाई, फिर जब ज़िंदगी सुधर जाते हैं ना, फिर जिनका बेटा मारा हुआ है, जिनका भाई मारा हुआ है ना, वो फिर से शैतानियाँ करते हैं। जब अच्छा, पाउडर के करते हैं यानी उनके लिए बदमाश बने हो, उन्हीं के लिए ये चीज़ें करिए ताकि उसे पता लगे कि यार अब शरीफ हो गया, अब शरीफ हो गया जी। पहले बदमाश नशा क्या करते? पहले मैं पाउडर भी पीता हूँ, आइस भी पीता हूँ, क्रिस्टल भी पीता हूँ, ड्रग्स भी अर्थ नशे किए। लेकिन अपने आप को देखें कि सेहतमंद रखा हुआ है इसने, इतने नशे करने के बावजूद सेहतमंद रखा हुआ, मेंटेन।
हमारी कोशिश तो यही थी कि ये लोग जो यहाँ पे नशा कर रहे हैं इन लोगों को इस बुरी आदत से निकाला जाए, लेकिन हमारी क्योंकि माशाल्लाह ये बंदा सेहतमंद है, गैरत के नाम पे कत्ल तो कर दिया, मामू के बेटे का कत्ल कर दिया, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए ये बदमाश बना रहा, गुंडा बना रहा। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे और ये ठीक हो जाए। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।